थे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवगई प्रिया आई केशवस्त कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ उठा कर बोलो हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्ण कृष्ण हरे हरे भगवान हरे राम 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 हरे हर जोर कर बोलो मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टोदर सतश्री श्री श्रीमाद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को भी यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में जो आए हैं वो विभिन्न कारणों को लेकर के श्री महाप्रभु जगत में आए हैं, उसमें कुछ साधारण कारण और उसमें कुछ विशेष कारण। कहते जो साधारण कारण है कहते कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन और एतत अर्थे अवतीर्ण श्री सचिनंद वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगत में आए। कलियुग का जो युग धर्म है ये हरिनाम संकीर्तन, इसलिए बोलते ना कृते जत ध्यायते विष्णु तृतीया जजत मखई वापरे परिचर्याम कलौतर धर्म की मतलब सत्ययुग का जो युग धर्म था वो ध्यान था, तृतीया युग का जो युग धर्म था ये यज्ञ था, द्वापर युग का युग धर्म था अर्चन और कलि युग का जो युग धर्म ये हरिनाम संकीर्तन। क्योंकि भगवान ने देखा ये कलि युग में कहते प्रायण अल्पायुष सभ्य काला वस्तुविन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य चुभत होता। कलियुग जीव का दशा बताए, कलियुग में लोगों का प्राय करके इनका उम्र कम हो जाएगा। लेकिन पहले पहले ऐसे था जब तक उनकी परमायु पूरी नहीं हो जाएगी कोई नहीं मरता, जब संपूर्ण परमायु पूरी हो जाएगा तभी मरते थे। लेकिन कलियुग में अभी आपको पता है कोरोना आया है कितने लोग मर गए, कितने कम उम्र में कितने लोग मर गए। इसलिए कह रहे कलियुग में प्राय न अल्पायुष, प्राय करके कलियुग का जो परमायु बहुत अल्पायु है, कब मर जाएगा बैठ बैठ के मर जाते, बैठ बैठ कर हार्ट अटैक हो जाता है, चलते चलते एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इसलिए कहते निश्वास नैव विश्वास तथा रुद्ध भविष्य, ये निश्वास कब बंद हो जाएगा कोई बोल नहीं सकते। इसलिए भगवान बहुत सोच विचार करके बोले कलियुग में ऐसे एक धर्म रख लो जो आसान बिना पैसा बिना खर्च बिना परिश्रम में वो काम हो जाए। इसलिए भगवान बहुत सोच सोच करके बोले कलियुग में ज़्यादा कोई परिश्रम करने का नहीं, हाथों में जो कुछ करो ठाकुर सेवा मान कर करो और मुँह में हरे कृष्णा 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 हरे 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 पैसा लगा कोई परिश्रम लगा पैसा लगा। लेकिन दूसरे युग में जो आराध्य था ना प्रभु को प्राप्ति का जो उपाय, तृतीय युग में था यज्ञ
अभी किसको यज्ञ कर लिए, कल मेरे को कोई बोल रहे थे, हमने पूछा एक नर्सरी यज्ञ कर दो, बोले लगेगा 10,000 रुपया। फिर सामग्री मतलब 20,000 रुपया में तब आपके यज्ञ होगा, 20,000 रुपया यज्ञ के लिए, देखो कितना पैसा की जरूरत। फिर यज्ञ के पास में बैठो, कैसे हैं ऐसे आग की लपेट निकलता है, पास में बैठे भी नहीं सकते, धुआं निकलता है। द्वापर युग में पंचामृत लाओ, धूप नैवेद्य तुलसी चंदन सब लाओ लाओ लाओ, पैसा कितना खर्चे हैं। लेकिन कलयुग में बिना पैसा बिना परिश्रम, इसलिए बताए बोले जिह्वा च वशवर्ती न है, इसलिए कहते जो जिह्वा हमारी वशवर्ती है, हैं सुलभम भगवत नामम, भगवान ये नहीं कहते हैं तू अगर मेरा नाम लोगे ना मेरे तुमको पैसा देना पड़ेगा, भगवान कहते हैं मेरे नाम लोगे तो पैसा देना पड़ेगा, भगवान कहीं बोलते नहीं, बोले सुलभम भगवत नामम, बोले जिह्वा च वशवर्ती न, अरे जो जिह्वा है ना ये हमारी बस नहीं है, जब ये जिह्वा को बोले कीर्तन करो अपने आप कीर्तन करेगा, केवल होठ हिलने पर कीर्तन है। और भगवत नाम तथापि नरकम जानती की आश्चर्य पर, तो तभी कलयुग में लोग नरक जाते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है, इतना फ्री में पैसे, फ्री में भगवान का नाम, फ्री में सब कुछ, तब भी कलयुग में जीव नरक जा रहे हैं। इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखा, भगवान की नाम संकीर्तन करो, भगवान के नाम लो। और इसी नाम को द्वारा महाप्रभु ने क्या किया, बोले नाम रूपी प्रेम है, नाम प्रेम माला गांती पढ़ा लो सभा करे, महाप्रभु ने क्या किया नाम को एक माला की, जैसे हम की माला पहने ना, ये जब माला पहने किस चीज की माला है, ये फूलों की माला है, लेकिन महाप्रभु ने एक नाम को एक माला बना करके ना सब लोग गला में एक पहना दिया, बोले तुम लोग सबके सब पहन लो, मतलब यह है क्या करो जीवन पा करके भगवान की नाम को जप करो, भगवान की नाम को करो। लेकिन कलयुग में भगवत जो नाम है, कभी जो कलयुग है, कभी ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं, कभी ये कलयुग को बताया धन्य कलि। इसलिए हमारे श्री लोचनदास ठाकुर बड़े सुंदर भजन गाते हैं, कहते के जावि के जावि रे भाई भाव सिंधु पार, धन्य कलि जोगे रचै तन अवतार, तन अवतार। लोचनदास ठाकुर कहते हैं भैया कौन ये भवसागर से पार होना चाहते हैं, भव मतलब होना, मतलब पुनरपि जन्म पुनरपि मरना, जन्म लेना मरना जन्म लेना मरना, ये दुख कष्ट से कौन व्यक्ति ये दुख कष्ट से पार होना चाहता, हाथ उठा, सबके सब जाना चाहते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि जा भी के जा भी भाई भव सिंधु पार, कहते धन्य कलि जुगेर चैतन्य बता, इसलिए ये कलिजुग को बताया धन्य कलिजुग, बोले धन्य कलिजुग क्यों बताया, बोले कारण है हर कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, करे ब्रह्मा का एक दिन में एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं, बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है, बोले 1000 चतुर्युग हैं, सत्य तृतीय द्वापर कलि, तो ऐसे एक हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आते, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, हर तृतीया में राम नहीं आते, नहीं आते, कहते ये 1000 जब चतुर्युग बीत जाएगी तभी जिस द्वापर राम जिस तृतीया में आते हैं उसी द्वापर में कृष्ण उसी कलि में महाप्रभु आते हैं, हर कलयुग में नहीं आते हैं। इसलिए ये कलयुग को बता धन्य कलयुग। आप भागवत पढ़ करके देखो वहाँ पर बताए इसी कलयुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहता, क्यों, युग का नाम कलयुग है, लड़ाई झगड़ा, भाई भाई में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, देश देश में लड़ाई, मन में भी लड़ाई है, सब जगह में ऑफिस में भी लड़ाई, कहाँ लड़ाई नहीं, झगड़ा कहाँ नहीं, देख लो सब जगह में झगड़ा ही झगड़ा, कुछ है ही नहीं है। इसलिए कि कलयुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते, लेकिन अभी जिस कलयुग में हम आए ना, कहते ये सत्य तृतीया द्वापर, सत्य युग को कृत युग कहते हैं,
जिस युग में सबके सबका धर्म जिसमें चार चरण में रहता था, सबका जीवन धन्य था। त्रेतया युग को क्या कहते? राम राज्य कहते। राम राज्य, राम राज्य मतलब क्या है? इसलिए उस देश का नाम था अवध। अवध मतलब जहाँ पर कोई मरते नहीं। अयोध्या जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होता, वहाँ पशु पक्षी भी भगवान राम का राज्य में पशु पक्षी कीड़े मकड़े भी शांति में रहते। अगर किसको कोई दिक्कत हो ना, वो अपना परेशानी ऐसे प्रभु को राम को बोलते, प्रभु हमारी ये दिक्कत है। ठाकुर जी सारे परेशानी को दूर करते थे। बोले आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, ये जो तीन तरह का जो दुख है राम राज्य में नहीं था, सब के सब आनंद ही आनंद थे। लेकिन द्वापर युग में स्वयं कृष्ण ही आए, तब भी धर्मचार्य युग में था। लेकिन ये सत्य त्रेता द्वापर ये तीन युग का जो लोग है ना, ये कलि युग में जन्म लेना चाहते। देवता लोग भी ये कलि युग में आना चाहते हैं। ये तीन युग का लोग कलि युग में जन्म लेना चाहते। बोले कारण क्या? बोले कारण है ये कलि युग में श्री सचिनंदन गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और इन्होंने महाप्रभु आसानी से ब्रह्मा शंकर नारद बड़े कठोर साधन से जो ब्रज भक्ति ब्रज प्रेम को पाना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु आसानी से वो प्रेम को दे दिया। बोले कलि युग में ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, खूब खाओ हैं, खूब कंठ यहाँ तक खूब भजन करो, खूब भगवान का नाम जप करो हैं, खूब भगवान। इसलिए एकदम कलि युग में सहज कर दिया हैं। कहते ना स्वामी महाराज कहते थे सबके सब पार्टी में जाना चाहते, जब जाते ना पार्टी में। बोले क्यों? बोले वहाँ तीन चीज होता है, एक डांसिंग, एक ईटिंग और एक सिंगिंग। तीन चीज किसी पार्टी में जाओ, ये तीन चीज होता है, इसलिए सबके सब पार्टी में जाना चाहते हैं। स्वामी महाराज कहते थे बोले एक दिन क्यों पार्टी, रोज पार्टी करो ना, ईटिंग खाओगे ना, बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाओ ठाकुर जी के लिए, दाल बाटी चूरमा बनाओ रोज, और भगवान कर दो बढ़िया प्रसाद का है। इसलिए डांसिंग नाचोगे ना, अभी हम नाच रहे थे कि नहीं, नाचो तो भगवान का नाम में नाचो। बोले सिंगिंग गाओगे ना, भगवान का कीर्तन गाओ, रोज ही पार्टी बनाओ, बीच बीच में क्यों पार्टी बनाओ, रोज ही पार्टी बनाओ, रोज ही आनंद करो ना, है कौन मना करता है। लेकिन हर चीज़ प्रभु का भक्ति को साथ में जोड़नी चाहिए। इसलिए कलि युग में भगवान ने एकदम सर कलि युग में आसानी से, इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं बोले ब्रह्मा वीर वांछित जे प्रेम जगते पहले लढ़ाले, कांगाल पाया खाइल नाचिया बाजाइया कर काले, हे मान गौरव ना नहीं हार। श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे जगत में कोई ऐसे अवतार हुए नहीं। क्यों? बोले ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद अभी भी लक्ष्मी बैठी करके बैल वन में तपस्या कर रही हैं, अभी भी उद्धव जी घास बन करके तपस्या कर रहे हैं, जो ब्रज भक्ति के लिए महाप्रभु उन्होंने क्या क्या कलि युग में मुक्त हाथ से। बोले कलि युग में ज्यादा कोई परिश्रम नहीं, बाजाइया करताली, कर मतलब हाथ, ताली मतलब ताली वा मजिरा है, करताली वा मजिरा बास बजा करके बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना आनंद ही आनंद। कलयुग का जो साधन है ना उसमें आनंद है, उसमें रुखा सुखा नहीं है। रस साधन भी, रस भक्ति में भी आनंद, साधन में भी आनंद और साध्य में भी
आनंद ही आनंद, इसमें कोई निरस नहीं है कलयुग का जो साधन। लेकिन दूसरे दूसरे युग में जो साधना परिश्रम था, केवल परिश्रम ही परिश्रम है। जैसे पहाड़ खोद दिया तो लास्ट में देखा चूहा निकला। दूसरे दूसरे युग में जो साधन वो कठोर साधन था, लेकिन कलयुग का साधन सरल है और आनंद है। भगवान कीर्तन भी आनंद है, प्राप्ति में भी आनंद, सब ही आनंद ही आनंद है। कलयुग का जो साधन सब आनंद ही आनंद है। रोज बढ़िया प्रसाद भाव कीर्तन करो, खूब आनंद में रहो, प्रभु का भक्ति करो, आनंद आनंद में रहो। इसलिए कलयुग का साधन बड़ा आनंदमय साधन है। आप लोग छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ये कहानी को याद कर लेना, ठीक है? इसको बाद में फिर मैं पूछूंगा, देखूंगा कौन याद करके बोलता है, ठीक है? ध्यान से लगा के सुनो। हाँ देखो, मैं ये सत्य त्रेतया द्वापर के लिए चार भाई है। अभी क्या हुआ, सत्य त्रेतया द्वापर ये तीन युग ने इन्होंने इनका राज्य तो हो चुका है। कथा सुना सकते हो? इसलिए ध्यान अच्छे तरह सुन लो। सत्य त्रेतया द्वापर तीन युग बीत गया, मतलब तीन भाइयों ने अपना राज्य तो किया है सिंहासन में बैठ कर। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में कली सिंहासन में बैठी करके अपना राज्य तो कर रहे। अभी सत्य त्रेता द्वापर तीनों भाई ने देखा, भैया हम भी तो राज्य तो किया है। अभी हमारे छोटा भाई राज गद्दी पर बैठ करके राज्य तो कर रहा है, चलो थोड़ा छोटे भाई से मिल करके आते हैं और सब हाँ क्या ठीक ठाक है कि नहीं पूछ पाछ करके आते हैं। अभी तीनों भाई मिलने के लिए आए। जब आए वहाँ पर था चौकीदार था, अपना परिचय दिया, हम सत्य त्रेता द्वापर है और ये कलयुग हमारे छोटा भाई और हम थोड़ी भैया से मिलने के लिए आए, थोड़ा खबर दे दो, ये हम मिलना चाहते हैं। अभी गए जा कर के बोले, तीन व्यक्ति आए और अपना परिचय देते हैं सत्य त्रेता द्वापर, वो कहते हैं आपका बड़े भाई आपसे मिलने के लिए आए। इतना सुनते ही कलयुग को तो बड़ा क्रोध आ गया, बोले उनको बोल देना हमारे पास में कोई समय नहीं उनसे मिलने के लिए, उनको भगा देना वहाँ से। जब उन्होंने आकर के ये बात को बोले, इतना तो दुखी हो गए, हम इतना दूर से आए छोटे भाई से मिलने के लिए, वो कहते हमसे मिलना नहीं, हम भगा दो यहाँ से। तब उन्होंने तीनों भाई बोले, एक काम करो उनको बोलो हम कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस आँखों से आँखों मिला कर चले जाएंगे, ज़्यादा कोई बात नहीं करेंगे हैं इतना। फिर जा करके बोले, वो कहते बस आँखों से आँखों मिला कर चले जाएंगे, बात नहीं करेंगे। बोले कलयुग बोला उसका उनका मुँह में भी देखना नहीं चाहता, हमको मुँह भी देखना मैं नहीं चाहता, बोलो हट जाए यहाँ से। वो आकर के बोले, कहते वो तो आपका नाम सुनते बिगड़ते हैं, कहते आपका मुँह तक भी देखना नहीं चाहते। बोले भैया हमने इसे क्या अपराध किया है, कहते हमारा मुँह तक भी देखना नहीं चाहते। फिर बोले और एक बार जा करके बोलो, और एक बार जाकर अंतिम एक बार बोल दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस थोड़ी सी मिल कर चले जाए। बड़े कष्ट से उन्होंने आने की उन्होंने आदेश दिया, बोले ठीक है ले लो। जब आए ना कलयुग ने जो सबसे जो बड़ा भाई था सत्यजुग, उनको तो बड़ा डांट लगा, बोले इसलिए मैं तुम्हारी मुंह देखना नहीं चाहता था, मिलने नहीं चाहता था। सत्यजुग में तुम तो आए हो, राज्य तो किए, लेकिन किया तो तुमने किया क्या बताओ? आप लोग हिरण्याक्ष का नाम सुने होंगे, हाँ बताओ तो कितना साल तक उन्होंने तपस्या किया था, कौन बोलेगा? कितना? 60,000 साल एक अंगूठा में खड़ा होकर के। अब देखा ना हाथ उठा करके कितनी कठोर तपस्या, 60,000 साल बिना खाए पिए हैं, ठंडी गर्मी सहन करते हुए उन्होंने तपस्या किया है। लेकिन तपस्या करके मिला तो मिला क्या? बोले दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, घर नहीं नहीं बाहर नहीं हैं, आकाश में नहीं पृथ्वी में नहीं, इसलिए आपका सृष्टि किसी प्राणी में नहीं। लेकिन भगवान हर तरह का नंबर लगाना जानते हैं, सारे बर में पानी फैला दिया और लास्ट में खत्म कर दिया। बोले श्री नरसिंह भगवान की, लास्ट में भर गए। इसलिए कहते सत्य जीव में कठोर साधन था, बिना खाए पिए, वाल्मीकि का नाम भी सुने होंगे, इन्होंने भी कितना साल तक बिना, उनका शरीर में पूरा दीमक चाट गया पूरा शरीर को, इसलिए वाल्मीकि इसलिए नाम पड़ गया, जो दीमक पूरा चाट लिया। जब नारद जी आकर के देखा शरीर दीमक चाट गया, तो हड्डी हड्डी और कुछ नहीं अंदर। इसलिए उसी युग में तपस्या, लेकिन लोग बड़ा कष्ट साधन करते थे, बड़े कष्ट साधन करते थे, लेकिन कष्ट साधन करते हुए मिलता था क्या?
कोई मुक्ति मिल गई, नहीं तो वैकुंठ लोग ज्यादा आते था, कोई वैकुंठ लोग मिल गया, नहीं तो कोई मुक्ति, नहीं तो भोग सुख है जीवन में, और कुछ नहीं मिला उनको। अभी त्रेता युग उन्होंने सत्य युग को तो बड़े शासन किया, बोले तेरे युग में केवल परिश्रम परिश्रम था और कुछ नहीं था। त्रेता युग को भी डांट लगा है, बोले क्यों, बोले त्रेता युग में था युग धर्म यज्ञ, अभी यज्ञ करने के लिए क्या हवन सामग्री लाओ, घी लाओ, हैं पंचामृत लाओ, लाओ सब लाओ ही लाओ, हैं चलो पैसा ही खर्चा है। और रोज क्या करो, अग्नि के सामने बैठो, जब आग की लपेट निकलता है शरीर को बड़ा कष्ट होता है, हैं इसलिए रोज, फिर धुआं निकलता है, हैं धुआं, इसलिए तुम भी केवल पैसा खर्च करवाया और लोगों को केवल परिश्रम करवाया, हैं। फिर द्वापर युग को भी डांट लगाए, बोले द्वापर में युग धर्म क्या था, अर्चन पूजा। अभी अर्चन पूजा करने के लिए रोज दूध दही घी शक्कर है ये सब चीज को रोज रोज लाओ, चीनी लाओ, हैं फिर धूप दीप नैवेद्य माला चंदन कर्पूर अगुर चंदन केवल लाओ ही लाओ, हैं इसलिए द्वापर युग में भी तुमने क्या किया, द्वापर युग में तुम भी केवल पैसा खर्चा करवाया, हैं पैसा खर्चा करवाया और लोगों को दिया किया, वो छोटी मोटी कोई धर्म अर्थ काम मुख्य यही दे दिया और तुम भी कुछ नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारी मुंह देखना नहीं चाहता था। लेकिन वो कहते हैं देखो, फिर देखो ये कलयुग देखो, अभी मैं कलयुग आ गया, मैं कलयुग आ गया, लेकिन ये कलयुग में देखो कोई साधन भजन, कोई कष्ट साधन भजन करने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल। महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कारी बहुधा, भगवान की अनंत नाम है ठाकुर जी की, हरि अनंत हरि कथा अनंत अनंत नाम, कृष्ण गोविंद दामोदर कितने सुंदर सुंदर नाम। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर ने केवल उन्होंने नाम को दे देकर कीर्तन किया है, एक भजन है भक्त विनोद ठाकुर का, बोले हरि नाम तो अनेक स्वरूप जसोदनंदन आनंद वर्धन नंद तनयारस गोप। उन्होंने पूरा ठाकुर का नाम को दे देकर कीर्तन किया। रोज हम कहते हैं ना जय राधा माधव जय कुंज विहारी, रोज हम कीर्तन करते हैं, ब्रजसुमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान। ठाकुर को कितने सुंदर नाम को दे देकर उन्होंने बड़े सुंदर उन्होंने कीर्तन किया है। इसलिए कलयुग में क्या बोले, बोले नाम नाम कारी बहुधा, मतलब भगवान की बहुत सारे भगवान की नाम है, बहुत सारे नाम भगवान की। फिर बोले निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, भगवान ने कलयुग में क्या किया, जितने सारे शक्ति ठाकुर जी अपना नाम में ही सारे शक्ति ठाकुर जी दे दिया। इसलिए कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, इस सागर को लंग सके ना पिनाई फुल के राम, श्री राधे राधे कूद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए भगवान क्या किया, नाम में सारे शक्ति ठाकुर जी अपना नाम में दे दिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम ना सकई नाम गुण गाई, भगवान राम भी अपना नाम की महिमा भगवान भी नहीं गा सकते हैं। भगवान को लंका जाने के लिए फूल की जरूरत पड़ी, हनुमान को फूल की जरूरत पड़ी, जय श्री राम बोल करके समुद्र को लांग गए, लेकिन भगवान को जाने के लिए क्या करना पड़ा, फूल बांधना पड़ा ठाकुर जी को जाने के लिए, हैं बोले एक समय क्या हुआ, फूल बंद रहे थे, बंदर पत्थर ला रहे थे, हनुमान जी राम का नाम लिख रहे थे, पानी में छोड़ रहे थे, तैर रहा था। अभी जैसे सीमेंट का भी जरूरत है ना,
एक पत्थर को रा और एक में मा जब लिखते थे वह दूर जाता था, इससे मटे का काम करता था। अब भगवान राम बैठ बैठ कर देख रहे करे, बोले ये क्या हो रहा है भैया, मेरे नाम में इतने शक्ति, ये पत्थर भी पानी में तैरता है। भैया मैं भी एक पत्थर उठाकर फेंक करके देखता हूँ, ये डूबता ना तैरता है। फिर सोचे अगर इनको सामने अगर फेंक को डूब जाएगा फिर तुम्हारे नाक कान कट जाएगी। बोले तो इनका नाम लेकर के पानी में पत्थर छोड़ दे तैर रहा है, राम स्वयं पत्थर फेंके तो पत्थर डूब गया। भगवान ने सोचा किसी झाड़ी को अंदर जा करके छुप करके पत्थर फेंकता, तब झाड़ी को अंदर में गए, जब एक पत्थर फेंका ना तो डूब गया। भगवान ने सोचा ये क्या हो रहा है, मैं स्वयं राम पत्थर फेंका डूब गया और मेरे नाम लिखने पर वो तैर रहा है। भगवान और एक पत्थर फेंके वो भी डूब गया। हनुमान जी देखा कहते ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान। हनुमान तो राम के बगैर रह ही नहीं सकते, प्रभु गए कहाँ। ढूंढते देखा, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते ना पत्थर उठाकर पानी में फेंकते, बच्चे जैसे पानी में पत्थर फेंक रहे, हनुमान झट प्रकट हो गए। राम तो सोच रहे कि वहाँ कोई है नहीं, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जब हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले प्रभु ये बच्चे जैसे पानी में पत्थर क्यों फेंक रहे, बोले तू कहाँ से आ गया, मैं तो सोच रहा था यहाँ पर कोई है नहीं। बोले प्रभु आपको तो छोड़ कर मैं रह नहीं सकता हूँ। बोले प्रभु ये बताओ ये बच्चे जैसे ये पानी में पत्थर क्यों फेंक रहे। बोले हनुमान जी मेरे मन में ना बड़ा शंका हो गया। बोले आपकी मन में, बोले हाँ, बोले राधा मदन मोहन लाल की जय। बोले आपका मन में कैसे शंका, बोले हनुमान ये बताओ तुम लोग मेरे नाम को हैं पत्थर को पर लिख करके छोड़ रहे तो पत्थर तैर रहा है, और मैं स्वयं राम जब पत्थर फेंकता हूँ डूब जाता है, मेरे को इसका रहस्य पता नहीं चलता है, इसका तात्पर्य क्या है। बोले प्रभु जी तो सीधी सी बात, बोले सीधी सी बात मेरे समझ में नहीं आ रहा तो बता। बोले प्रभु ये पत्थर क्यों तैर रहा है, चूंकि वो पत्थर के ऊपर ना आपका नाम लिखा हुआ, आपकी नाम की सहारा लिया है, इसलिए कहते हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा है, जो तेरा नाम लिया भव सागर से पार हो गई, तेरे नाम में इतने शक्ति, पानी के अंदर में भी तैरता है पत्थर तैरता है। बोले फिर मैं फेंकने पर ये डूबता क्यों, बोले इसलिए डूबता है आप उसको पकड़ करके उसको फेंक रहे हो, फेंकना मतलब कि आप उसको छोड़ दिया, आप उसको त्याग दे दिया। प्रभु ये बताओ आप दुनिया का मालिक ही आप हो, अगर आप इसको उठाया और अपने फेंक दिया त्याग दे दिया वो कभी तैर सकता है, वो तो डूब जाएगा, वो डूब ही जाएगा, इसलिए तो डूब रहा है। बोले हाँ मैं तो यही सोच रहा हूँ ये डूब क्यों रहा है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान जितने सारे शक्ति है ना अपना नाम में, ठाकुर जी सारे शक्ति अपना नाम में ठाकुर जी दे दिया है। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेता है ना उसको तीन काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है, क्या काम हो जाता है कहते, या अच्छे तरह से याद रखना। रूप गोस्वामी कहते हैं है, मैं बाद में पूछूंगा कौन सुने। इसलिए पहला काम होता है कहते नर्क में, कहते जब महाराज चित्रगुप्त को बोलते बोले रजिस्टर ले आ, बोले क्यों, बोले ये ठाकुर का नाम ले रहा है ना, इसका नाम को यहाँ से काट दो, इसका नाम काट दो, ये अभी कभी नर्क नहीं आएगा, क्यों ठाकुर का नाम जप कर रहा है। बोले दूसरा काम क्या होता है, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती बोले रजिस्टर ले आ, बोले क्यों, बोले इसका नाम को चढ़ा दो, बोले किसी लिए, बोले ये ठाकुर का नाम ले रहा है ना वो सीधा गोलोक वृंदावन आएगा। हाँ गोलोक वृंदावन, बोले से वृंदावन बिहारी, बोले हरिनाम संकीर्तन की। बोले तीसरा काम क्या होता है, बोले ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी कहते आरती की थाला सजाना शुरू कर देते, बोले किसलिए, बोले वो व्यक्ति हरि का नाम ले रहा है, अभी भूर भूव मोह जन सब तप सब सत्य लोग को पार करते हुए सीधा गोलोक वृंदावन जाएगा, जब जाएगा बीच में मैं उसको आरती उतारूंगा, उसको मैं आरती उतारूंगा। देखो ठाकुर जी के नाम लेने से कितनी शक्ति है, ठाकुर जी के नाम लेना कितना महत्वपूर्ण, इसलिए भगवान के नाम सब नहीं ले सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं बोले जनय पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठति भारत। हे अर्जुन किसको जीवा में प्रभु का नाम उच्चारण होता है, बोले जनय पूर्व सत जन्मम
वासुदेव समर्चन, जिसने पहले पहले जन्म में 100 जन्म तक जिसने भगवान की सेवा पूजा की है, तब भी इस जीवन में तन्मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठति, उसी व्यक्ति का मुंह से ही हर समय भगवान का नाम उसी का मुंह से निकलता है, पापी का मुंह से नहीं निकलेगा। पापी लोग तो दिन भर इधर उधर की बात करते रहेंगे, इसलिए भक्ति में ठाकुर कहते हैं, आबल ताबल बचाल पाड़ी ते पार, ताहार भीतरे कखना के ना की गोविंद बोलिते नार। इसलिए श्री भक्तिमन ठाकुर कहते हैं, तू दिन भर उल्टा पुल्टा इधर उधर की बात दिन भर बोलते रहेगी, अगले पखीरे जे नाम लवाई ले लाए सुख सारी आदि कत। अगर चिड़िया को बोलो ना, इसको मैना को बोलो, तोता को बोलो, बोले कृष्ण कृष्ण, देखना तोतली तोतली कृष्ण कृष्ण वो भी बोलेगा, राम राम वो भी बोलता है। बोले एक चिड़िया को भी बोलने पर वो चिड़िया भी लेता है, लेकिन भगवान तुमको ऐसे जिह्वा दे दिया जिस जिह्वा से तुम आसानी से प्रभु का नाम कर सकते हो, लेकिन तुम प्रभु का नाम को नहीं कर रहे हो, हैं नहीं कर रहे हो ठाकुर जी का नाम। इसलिए बोले निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, भगवान सारे शक्ति को नाम में दे दिया। फिर नियमित स्मरण काल, ठाकुर जी ये नहीं बताए क्या, देखो जब केवल पवित्र हो तभी मेरे नाम ले सकते हो, अपवित्र अवस्था में नहीं ले सकते, भगवान ये भी नहीं बताए। इसलिए भागवत में अजामिल की कथा में हुआ उदाहरण देते हैं, बोले अजामिल जिस समय हरिनाम लिया, उदाहरण देते कल कौन सा समय में, जब उन्हें 3 जमदूत को देखा लेने के लिए आए और काल फास से पकड़ करके उसको प्राण को खींच करके ले जा रहे थे, उसी समय में बिस्तरा में टाटी पेशाब कर रहा था, डर के मारे टाटी पेशाब कर दिया उस समय, हैं मरते समय अगर कोई टाटी पेशाब करता है ना, समझना वो सीधा नरक गया, जमदूत उसको मार मार कर ले गए, पापी था है। इसलिए वो टाटी पेशाब निकल रहा था, मतलब संपूर्ण अपवित्र अवस्था था उसी समय। फिर जब उसने भगवान का नाम नहीं लिया, अपना बेटा का नाम रख दिया नारायण, वो अपना बेटे को बुलाया है, बेटे को बुलाया, भगवान को नहीं बुलाता, बेटे को बुलाया। बोले बुलाया कैसे, बोले चित्कार करके, जैसे होता है ना, जैसे हम शांत भाव में बैठे हुए मन को स्थिर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, है स्थिर बुद्धि से जैसे भगवान की नाम के लेते, उसका बुद्धि स्थिर नहीं था, क्यों, जमदूत पकड़ करके उसको खींच करके ले जा रहे थे, बड़ा कष्ट उठा रहा था उस समय में। पिछले शास्त्र में बताया मरते समय अगर एक बिच्छू अगर किसको काट देगा इतने कठिन कष्ट होता है, अगर एक व्यक्ति को 10,000 बिच्छू एक साथ में डंक मारे उसमें जो कष्ट मरते समय इतना कष्ट होता है, इसलिए उस समय बुद्धि स्थिर नहीं था, अस्थिर बुद्धि में चित्कार करते उन्होंने बेटा नारायण, उसने अस्थिर बुद्धि से विचलित तो होते हुए उन्होंने प्रभु का नाम लिया, और नाम किसको लिया, भगवान को नहीं किया, अपना बेटा का नाम कर रहे था, चित्कार करते अपवित्र, और लिया कौन, बोले नारायण अपी अजामिल, अपी अजामिल मतलब इतना महापापी जो अपना पत्नी को त्याग दिया, ब्राह्मणी को शूद्राणी को साथ में रहा, उसको हाथ से में अमेध्य कुमेध्य भोजन किया, सारे गंदा काम किया, बच्चों को पालन करने के लिए चोरी गुंडा गिरदी डाकू सारे पाप कर्म किए, इसी अवस्था में भी उन्होंने भगवान का नाम लिया तो क्या हुआ, झट विष्णुदूत आ गए, इधर जमदूत आए तो झट विष्णुदूत, माँ भयो डरने का कोई बात नहीं, हम रक्षा करने वाले, चिंता मत करो हम तुमको बचाएंगे, बस विष्णुदूत आ गए, जमदूत को मार मार कर भगा दिया और इनको रक्षा कर दिया है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, कहते नियमित स्मरणे न काल, मैंने ये नहीं बताया केवल पवित्र अवस्था में तुम भगवत नाम जप कर सकते हो, अपवित्र अवस्था में नहीं कर सकते, भगवान के भी नहीं बताया, कभी भी कर सकते हो। लेकिन लास्ट में महाप्रभु दुखी होकर के बात कहते हैं क्या दुखी होकर कहते हैं, एतादृश तब कृपा, बोले भगवान इतने कृपा हमारे ऊपर किया, लेकिन दुर्दैव मिदृश मिया जान नानुराग, दुर्दैव हमारी हतभागा है,
कभी भगवान का नाम में हमारी रुचि नहीं होगा। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं, अगर इसी जीवन में पाकर हरि नाम तुमने नहीं किया, भगवान की भजन नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं किया, फिर तो तुम तो भगवान मानव जन्म देंगे नहीं तुमको, वही पेड़ पौधा गधे सुअर अगर घूमोगे, क्योंकि जीवन में तो ही काम किया, तो कुछ किया ही नहीं, खाए पिए दो चार बचे जन्म तक मर गया, इसलिए बोले जाओ दूसरे जीवन में, हैं दूसरे जीवन में जाओ, फिर तो मानव शरीर मिलेगा नहीं, रास्ता भी बड़े आसानी रास्ता भी दे दिया, अगर तो भगवान की भजन नहीं करोगे तो फिर तो वही 84 लख जोड़ी में भटकते रहो, फिर पता नहीं कौन सा जीवन में भी जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान के तो त्रुणाम, त्रुणाम मतलब क्या है, जितने जल्दी पारो कल कर सो आज करो और आज कर सो आज, कहते पल में फ्राय होगी बहुरी गरीका, इसलिए जितना जल्दी हो दूसरे काम को पीछे रख करके प्रभु की भजन को पहले शुरू कर दो, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। तुलसी हरि नाम संकीर्तन की, सचिनंदन गौर हरि की, गिटारी गौर ब्रह्मानंद हरी हरी बोल। हाँ पीछे उसका कीर्तन कर लो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे I'm
जय श्री श्री गुरु रामन हरि का दीर्घारी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी विजय दादा नंद बिहारी जी विजय।